खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। प्रयागराज पुलिस को आज बदमाशों को पकड़ने में एक और कामयाबी मिल गई। दरअसल थरवई में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने वालों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। जांच में साफ हुआ है कि ये वारदात शाहजहांपुर के बदमाशों ने की है और ये गैंग पेशेवर अपराधी है जो इस तरह रात में घरों में घुसकर लूटपाट करते हैं। पुलिस को मुखबर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश नवाबगंज इलाके में है। पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की जिससे दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और 5 लोगों को मौके से पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों में से एक महिला भी शामिल है जो इस गिरोह के साथ रहती और सभी वारदातों में इनका साथ देती है। पकड़े गए बदमाश पेशेवर अपराधी हैं। ये आधी रात के बाद आउटर के इलाकों में लूट के वारदातों को अंजाम देते थे और थरवई की हेतापट्टी में भी इन्हीं लोगों ने लूट और हत्या की थी। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट की रकम और जेवरात भी बरामद हुए हैं। ये केस पुलिस ने काफी चुनौती बना था जिसे पुलिस ने आज सॉल्व कर लिया। इस मामले में पकड़े गए लोगों से पूछताछ की गई जिसमें बाकी आरोपियों के बारे में भी पुलिस को सुराग मिला। जल्दी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ऑपरेशन दृष्टि का कितना सहयोग? देखिए 6-7 की रात अगस्त को थाना थरवई क्षेत्र में हेतापट्टी एक क्षेत्र आता है जहां पे एक लूट की घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी। इसके संदर्भ में FIR पंजीकृत हुई और विवेचना प्रचलित थी। इसमें स्पेशली टीमों का गठन किया गया था इस घटना के खुलासे के लिए। इसी के क्रम में 11 तारीख को थाना शंकरगढ़ में एक घुमंतू गिरोह के साथ में शंकरगढ़ पुलिस की एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ से जब प्राथमिक बातचीत की गई है, पूछताछ की गई है उस गिरोह से, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग शाहजहांपुर से हैं और शाहजहांपुर के एक निगोही थाना क्षेत्र में इनका एक गांव पड़ता है। वहां से ये लोग जो हैं ऐसे ही गिरोह बना के अलग अलग जगह कुछ कुछ दिन में डेरा डाल के ऐसी घटनाओं को कारित करते हैं। इनके द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई थरवई घटना से रिलेटेड कि एक और गिरोह है जो इन्हीं के गाँव का रहने वाला है और वो भी प्रयागराज में उस क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा था और संभवतः उनके द्वारा ये घटना की गई है। ऑल्दो ये जो शंकरगढ़ वाले जो गिरोह था उसकी संलिप्तता थरवई वाली घटना में नहीं पाई गई है। उसके बाद में हमारी थरवई थाना क्षेत्र की जो टीम है और जो हमें सूचना प्राप्त हुई है इस पहले गिरोह से जो शंकरगढ़ में मुठभेड़ में पकड़ा गया, और साथ ही साथ जो हमारी मुखबिरी सूचना है उसके आधार पर कल थाना प्रभारी थरवई, थाना प्रभारी नवाबगंज, हमारी SOG टीम, इन सब के द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई। जो लोकेशन के आसपास हमें जो पता चल रहा था वहाँ पे हमारी पुलिस टीम के सामने ये 4 बदमाश पड़े जिनके द्वारा पुलिस टीम पे, पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई और अपने बचाव में पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायरिंग में 2 अभियुक्त जिनका नाम धीरेन्द्र उर्फ लड्डू है और कुशल पाल उर्फ कृष्ण है, वो चोटिल हुए। उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष 2 और अभियुक्त जो वहाँ पे उस समय पे मौजूद थे उनका नाम है नन्हे उर्फ जयराम और दयाराम। इन 4 को गिरफ्तार किया गया है और इन अभियुक्तों के निशानदेही पे उससे कुछ दूरी पे इन्हीं के परिवार की महिलाएं जो इनके साथ साथ डेरे में साथ साथ मूव करती हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे बरामदगी हुई है जिसकी सूची आपको दे दी गई है। तो ये कल तक की घटनाक्रम है। इसके पश्चात इनकी जब क्रिमिनल हिस्ट्री पता की गई है तो ये एक अंतर जनपदीय गिरोह है। इनके विरुद्ध में भिन्न भिन्न जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं जैसे शाहजहांपुर जनपद, जनपद एटा, जनपद रामपुर व अन्य। अभी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में और पता किया जा रहा है। अभी तक की क्रिमिनल हिस्ट्री आपको प्रेस नोट में दे दी गई है। ये एक इसके जो घटना कारित करने का तरीका होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ये गिरोह डेरा बना के कुछ कुछ दिन के लिए भिन्न भिन्न जनपदों में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।